उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रसिद्ध ओरियो म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पांचवी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ओरियो म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ओमी जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट सीएमडी डॉक्टर समीर त्रिपाठी द्वारा व शहर के नामचीन हस्तियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो आज कहने के लिए तो एक फंक्शन है, पांचवी आपकी सालगिरह है, ये एक सेलिब्रेशन है, मगर मेरे अलका मैम, गुंजन सर, सुदेश, ओमी, साक्षी, सुदेश, ये विनय, अविनाश, रितेश पांडे जी, जो लोग इसके डेली डेली साक्षी रहे हैं, इनकी तो बात अलग है, मगर जो लोग वहाँ पर रेगुलर नहीं रहे हैं, जिन्होंने देखा नहीं है हम लोग को रिकॉर्डिंग करते हुए, उनको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। आप लोग वाकई में जैसा कि सर उत्तर प्रदेश लखनऊ के शहर में ओरियो म्यूजिक कंपनी का आज पांचवा जो सालगिरह यहाँ पर मनाया जा रहा था, और तो आपकी उपस्थिति हुई है इस सालगिरह के तौर पे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आज ओरियो म्यूजिक का पांचवी वर्षगांठ है जी। ओरियो म्यूजिक की शुरुआत जब हुई थी जी, शुरुआती दौर में ओमी जी ने बहुत ही अच्छे से इसको किया था, आज ये उपलब्धि निरंतर बढ़ती जा रही है। आज लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और अच्छी संगीत के साथ साथ अच्छा व्यवहार ओमी जी का जो मिलता है जी। हमें लगता है ये निरंतर पांचवी वर्षगांठ के साथ साथ ये पचासवीं और सभी वर्षगांठ भी मनाई जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आज मुझे इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने का सौभाग्य ओमी जी के द्वारा मिला है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ ओमी जी को। एक छोटे से परिचय की अगर बात की जाए तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, और निरंतर मैं सेवा के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में कार्य करता हूँ, हिंदुत्व के लिए कार्य करता हूँ, अपने सनातन संस्कृति के लिए कार्य करता हूँ। आज जो ओरियो म्यूजिक स्टूडियो में जो प्रोग्राम चल रहा था और शहर की नामचीन हस्तियां थी, आपके पूरे परिचय के साथ में जानना चाहेंगे, आज का ये प्रोग्राम खास किस लिए रखा गया है? देखिए, आज का प्रोग्राम जो था पांचवी, आप एक तरह से एनिवर्सरी सालगिरह कह सकते हैं जी, तो चार साल हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे, भैया का भी आशीर्वाद रहा जी। और जब पुराना हमारा सेटअप था, छोटा सेटअप था जी, तब से भैया के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं साथ में, और वही सिलसिला चलता आया। बीच में कोरोना काल भी आया, लेकिन जी थोड़ी प्रॉब्लम, दिक्कतें आई थी बीच में, लेकिन फिर यहाँ तक पहुँचे फिलहाल आखिर। और आज इस स्टूडियो में शहर की कुछ नामचीन हस्तियाँ थीं जिन्होंने आपके स्टूडियो से ही बने हुए प्रोजेक्ट को लॉन्च भी अभी रिसेंटली किया था बहुत बड़े पैमाने पे, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि थे जी डॉक्टर समीर त्रिपाठी जी, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के जी जी CMD हैं जी, उनके द्वारा गाई गई शिव महापुराण श्री रामचरितमानस जी, अभी फिलहाल में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं श्रीमद देवी भागवत जी, जिसका विमोचन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका विमोचन किया था जी, तो डॉक्टर समीर त्रिपाठी जी ने ही अपनी आवाज़ से लयबद्ध किया इस ग्रंथ को, और अभी उस पर काम चल रहा है, तो रोज़ एक अध्याय रिलीज हो रहा है उसका। ये भी देखा जाता है कि आपके स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के खासकर जितने भी, हालांकि भारत के नामचीन जितने भी सिंगर्स हैं, हिंदी में ले लें आपको, भोजपुरी में ले लें, वो सब आपके अपने स्टूडियो में आके गा के जाते हैं, तो ये जो आपने इसे सेटअप बना के रखा हुआ है, ये किस तरीके का सेटअप है, इसकी कुछ बारीकियां बताना चाहेंगे? ये सेटअप पूरा हमारा जो है एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस, पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम होता है जी, शूटिंग के बाद जो भी काम होता है, फिल्म हो गया या एल्बम का काम जी, शूटिंग के बाद का काम, तो वो हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है, पोस्ट प्रोडक्शन का जो भी वर्क होता है।